मुझे लग रहा है अलाउड नहीं है शायद से। रुक जाओ भाई, उतर के हाँ लगा रहा साइड लगा, उतर भाई बदरी, उतर तू आराम से, कर उतर जा तू, यहाँ पर लगा नहीं है, पैदल आएगा कहाँ तक? हाँ आगे मंदिर जाना, मेरे को तो मंदिर जाना है, मंदिर मंदिर जाना है। हाँ फोन ऑन है, वीडियो रिकॉर्ड है। हाँ वीडियो रिकॉर्ड है, तो यार पीछे हम लोगों को आर्मी वाले ने रोक गया था और वहाँ पे थोड़ा वीडियो वगैरह अलाउड नहीं थी, तो हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उनका एरिया खत्म हो गया। तो आज है पहले नवरात्र और हम पहले नवरात्र में जा रहे हैं संतला देवी मंदिर। तो आना का बता देता हूँ क्लॉक टावर से, चौक से फिर सीधा सीधा ही है। आज इस राइड मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रभात बद्री। ओ भाई, क्या गाय हिरन है, गाय गांव वाला एरिया है ना, पर मस्त है, बहुत वाइब्स बहुत तगड़ी आ रही है। कौन सी नदी है, नदी का नाम देख, ऐसा कुछ एरिया है यहाँ का, बहुत ही मस्त है। मतलब मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, जंगल वाला एरिया है लगभग, और यहाँ पे थोड़ा गांव वाली फीलिंग भी आ रही है, एकदम मस्त वाइब्स। और ये वाली नदी शायद से ना तपोवन से होकर जाती है, शायद से नन नदी है ना, तो तपोवन दूसरी नदी जाती है, दूसरी वाली है वो तपोवन। और जो माता का मंदिर है ना, यहाँ डिफरेंस ज्यादा दूर की भाई। यहाँ पर एक साइकिल्स कितने आ रहे हैं भाई, और एक मंदिर यहाँ पे भी है, पर ये तो इसका मंदिर है, ये भी माता का मंदिर है, नहीं हनुमान का मंदिर, हनुमान जी हनुमान मंदिर है भाई, बहुत दर्शन कर दो भाई आप लोग। सिटिंग एरिया देखिए मस्त है यहाँ पे, और भाई साहब ये कितना मस्त है रास्ता पूरा पूरा। देख नेक्स्ट वो देख सामने वाला मंदिर तगड़ा लग रहा बहुत, उसकी डिजाइनिंग बताऊँ कैसी है, पंडाल वगैरह में जैसे गाँव में होती, जो वैसे बना रहे हो वहाँ पे कुछ रहने के लिए होटल वगैरह बन रहे हैं, मुझे लग रहा है घर बन रहा क्या है, बना रहे हैं। बहुत मस्त है, बहुत मस्त एरिया है। तो कहते हमारा डबल मेट था नहीं, चक्कर में मतरी को नीचे उतरना पड़ रहा था, चार बार उसको उतारा, पूरा कच्चा रास्ता है आगे, तो स्कूटी कहाँ जा पाएगी इसमें यार। ये बंदा मुझे कहाँ लग रहा है, ये बाहर का लग रहा है, मंदिर का रास्ता यही है मंदिर का। हाँ सीधे कहाँ लड़की गुस्सा हो गया, नहीं बोले गुस्सा हो गया, ये नहीं है कितना भाई, है किस बात की पार्किंग पे, इधर लगा दें इधर कहीं जंगल में है, तो इनके घर क्या लगा क्या दिक्कत है, तो कही थी उतरियो उतरियो ये लगा देते भाई, मिलते हैं आपको मंदिर में। देखने वाला तो भाई कुछ ऐसा एरिया है यहाँ का, हम नीचे से आए थे, हमारा दोस्त हमारे साथ प्रभात भी है, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा बाद में, और ये मैं हूँ इतने दिन बाद दिख रहा हूँ, जो चढ़ाई चल रहे हैं वो रास्ता ऐसा है, पैदल ही है, स्कूटी का नहीं है, अरे सीढ़ी, इसमें सीढ़ी भी है ना। कितने किलोमीटर ट्रैक हो गए, एक दो, एरिया बड़ा मस्त है यार, जंगल देख पूरा ऊपर, पर ये मक्खी परेशान कर रही है, मैं मक्खी घूम रही है मेरे सर के ऊपर, कुछ कुछ दिख रहा होगा,
भाई तुझे पता है शांतला देवी की, शांतला देवी जो मंदिर है ना, माता मंदिर, क्या स्टोरी है इसकी। मतलब ऐसा क्या इस मंदिर में, तुझे बताता हूँ। मैंने थोड़ा देखा था कि ये स्टोरी ना, मतलब जो मंदिर है ना, जाना माना है इस चीज़ के लिए कि भाई बहन का मंदिर था भाई, माता दी उनके भाई थे। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, अगर तुम्हारी बहन के लिए कुछ मांगेगा ना तो मनोकामना पूरी होती है, और तेरी बहन तेरे लिए कुछ मांगेगी तो वो पूरी होती है मनोकामना। तो फैमिली अगर आ रही है ना तो उनके लिए बेस्ट है। मेरे साथ तो मेरा दोस्त है। कुछ सामने का व्यू, ये रास्ता, पहला नवरात्र है आज, पहला नवरात्र बहुत लोग आ रहे हैं। दिख फोन से दिखेगा यार, बहुत गहरा है, मतलब मैं दिखा नहीं सकता औरों को, फेंकना पड़ेगा वो। लाइव जाना पड़ेगा उसके लिए, पहले लाइव चल जाओ फिर फेंक दो। गिर गया ना मेरा फोन अगर, तब तो गया भाई। एक कुआं भी है पानी पीने के लिए, बाल्टी भी है, रास्ते में ही है, जिसको प्यास लगी पी सकता है भाई। हमने तो बॉटल में भर रखा पानी, भर देना उसको दोबारा है। इस साइड से भी कुछ है यार, यहाँ से मुझे लग रहा है कोई पानी का रास्ता है। जो पानी है ना ना, कहाँ कहाँ होगा, या जो नेचुरली आता है ऊपर से पेड़ पौधों से। तो ये मंदिर का द्वार, ये इसकी एंट्रेंस है, और पूरा यहाँ से इसका आगे फ्रंट से ये है पूरा इसकी गैलरी, जो पास करके मैं पूरे मंदिर तक पहुँचाएंगे, जो काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये कुछ लुक है अंदर का, मतलब पेड़ पे लोगों ने चुनियाँ बांधी हुई है। ये कुछ एंट्रेंस है जो अंदर माता का मंदिर है, और यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। जैसे हम लोग भी जा रहे हैं और यहाँ पे चुन्नी उन्नी चढ़ाते हैं, लोग धागा बांधते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो काफ़ी बड़ा पेड़ है, बहुत सारी चुन्नियाँ बंधी हुई है इसमें, तो मतलब देखने को मतलब बहुत ही यूनिक सा लग रहा था काफ़ी। यहाँ पर हमने अपनी पूजा भी की, और उसके बाद हम यहाँ से चल पड़े घर की ओर। ठीक है, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, हमने बाहरी घर बनाई, और मंदिर काफ़ी मतलब सुंदर है। और ये कुछ एरिया है यहाँ पर प्रसाद पूजा कर रहा है। ये है बैक साइड है मंदिर, मंदिर के जस्ट पीछे आके यहाँ पे से भाई ये है थोड़ा व्यू, व्यू पॉइंट है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, उस साइड भी कुछ है पीछे, ज़्यादा मुझे लग रहा है। ये मेरा दोस्त प्रभात बद्री, हेलो। जो उधर से दिख रहा ना आपको, पूरा देहरादून है भाई सामने। अब जूम जूम जूम, बहुत छोटा दिख रहा है, ये प्लेन एरिया जो है ना, पूरा प्लेन एरिया, पूरा देहरादून ही है। तो इसके इस साइड ही है मंदिर भी। ये तो भाई वीडियो कॉल कर रहे, घर दिखा रहे हो, दर्शन करा रहे हैं मंदिर के। बैग में डाल देना है, ये मैं नीचे चढ़ा। तुम लोगों ने कुछ यहाँ पे चाय नाश्ता किया, उसके बाद हम निकल पड़े थे यहाँ से अपने घर के। और तो भाई ये कुछ था लास्ट में।